पेपर में डाउट है क्या? चलो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में किसी को डाउट है? सेकंड, बातें मत करो आपस में वरना बाहर चले जाओ, ठीक है। थर्ड में किसी को डाउट है? अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वेसल, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वेसल है हैविंग लीनियर कोएफिशिएंट अल्फा, इज फिल्ड विथ अ लिक्विड अप टू सर्टेन लेवल। ऑन हिटिंग इट इट इज फाउंड दैट द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर रिमेन्स द सेम। देखो यहां पर जो लिक्विड है, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो यह देखा गया है कि लिक्विड की जो हाइट है यह चेंज नहीं हो रही है, हाइट चेंज नहीं हो रही है, समझ आ रही बात? इसका वॉल्यूम इधर से भी तो एक्सपेंड कर रहा होगा ना, एरिया बढ़ रहा होगा, तो उसके कारण भी इसकी वॉल्यूम क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है लिक्विड की यह चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब यह होता है कि लिक्विड की तीन डायरेक्शन में अल्फा होगी, होगी ना, अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री। इसमें हाइट के डायरेक्शन में जो अल्फा है, बोले तो अल्फा थ्री, ये आपका जीरो है। क्या है? जीरो है, समझ रहे हो? अगर हाइट इसकी चेंज नहीं हो रही है, आप गर्म कर रहे हो, लिक्विड की हाइट चेंज नहीं हो रही है, मतलब अल्फा थ्री जो है लिक्विड का वो आपका जीरो हो जाएगा। तो गामा ऑफ लिक्विड जब आप लिखोगे तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री लिखेंगे ना, तो यहां पर अल्फा वन और अल्फा टू तो आपका अल्फा अल्फा हो जाएगा, मतलब टू अल्फा हो जाएगा, और अल्फा थ्री हम लोग ले लेंगे जीरो। क्या ले लेंगे? जीरो। तो ये आपका हो जाएगा टू अल्फा। क्या हो जाएगा? टू अल्फा, समझ आ रही बात? हाँ, रिलेटिवली गामा एपरेंट जीरो नहीं है, गामा एपरेंट जीरो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कंटेनर ऊपर भी एक्सपेंड करे, कंटेनर का ऊपर भी एक्सपेंशन हो सकता है, उसकी हाइट भी बढ़ रही होगी और इसका एरिया भी बढ़ रहा होगा, समझ आ रही बात? लेकिन लिक्विड की हाइट नहीं बढ़ रही है, लिक्विड की हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका जो भी वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है वो एरिया के एक्सपेंशन होने के कारण हो रहा है। किसके एक्सपेंशन होने के कारण हो रहा है? एरिया, समझ आ रही बात? तो यहां पर लिक्विड की हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रही है, लिक्विड की हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग मानेंगे कि लिक्विड का हाइट के डायरेक्शन में जो अल्फा है वो आपका जीरो हो जाएगा, तो अल्फा थ्री हम लोग जीरो मानेंगे यहां पर। कौन सा? हाँ, वो कब? जब गामा एपरेंट तुम्हारा जीरो हो। यहां पर गामा ऑफ लिक्विड पूछा है, किसके बारे में? लिक्विड। हाँ, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि मान लो ये आपका कंटेनर का लेबल है। किसका लेबल है? कंटेनर का लेबल है, ठीक है। लाल वाला पेन कहां गया? अब ग्रीन ले लेते हैं कंटेनर में। किसमें लेते हैं? कंटेनर में। अब जब हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था कि जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो लिक्विड की लेवल भी कुछ बढ़ी, समझ में आई बात, और कंटेनर की भी लेवल कुछ बढ़ी, समझ में आई बात? तो आपको लगा कि कंटेनर के रिस्पेक्ट में वो ऊपर चला गया है ना, तो वो था गामा एपरेंट। क्या था? गामा। इस केस में लिक्विड का भी हाइट के डायरेक्शन में भी अल्फा है, मतलब इधर भी एक्सपेंड कर रहा है और एरिया वाइज भी एक्सपेंड कर रहा है, समझ आई बात? अब देखो इस वाले केस में क्या है कि मान लो ये आपका कंटेनर है और ये आपकी लिक्विड है, तो अभी हम मार्किंग किए रेड ग्रीन जो है वो ऐसे मार्किंग कर दिए, समझ आई बात? अब अगर आप देखोगे तो यहां पर हो क्या रहा है कि लिक्विड का जो लेबल था वो पहले जितना था उतना ही रहा है ना, कंटेनर का हो सकता है कि ऊपर बढ़ जाए, समझ आई बात? तो इसकी जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब लिक्विड की जो हाइट है वो चेंज
नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि लिक्विड का हाइट के डायरेक्शन में जो अल्फा है, अल्फा थ्री, ये हम लोग मान लेंगे जीरो। क्या मान लेंगे? जीरो। बोलो बोलो बोलो। बोला है ऑन हीटिंग इट इज फाउंड दैट लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर रिमेन सेम। मार्किंग के ऊपर कहां लिखा हुआ है? लेवल मतलब लिक्विड का लेवल जो है वो सेम है। ये वाली लेवल आपकी क्या है? सेम है। समझ में आ रही बात? हाँ, ये कैसे बोला नीचे आएगा और ऊपर जाएगा? देखो कंटेनर का हो सकता है कि वॉल्यूम इधर से भी बढ़े और ऊपर से भी बढ़े। समझ आ रही बात? मान लो कंटेनर जो है वो एक्सपेंड होकर के ऐसा कुछ हो गया, मतलब नीचे वाला तो बेस सेम रहेगा, ऐसा कुछ हो गया है ना, और कंटेनर का ये वाला जो लेबल है वो ऐसा आ गया। समझ आ गया? लेकिन लिक्विड जो है उसकी लेबल यही रही, बस इधर से जो लिक्विड है साइड वाइज वो एक्सपेंड कर गया। क्या कर गया? एक्सपेंड कर गया। समझ हमारी बात? तो इस केस में हाइट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हाइट में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा, साइड वाइज सिर्फ एक्सपेंड कर रहा है, मतलब अल्फा थ्री यहां पर जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जीरो। समझ मारी बात? हाँ हाँ, कि लेवल सेम है। अगर अपरेंट बोलता ना, अपरेंट हाइट सेम है, तब फिर हम लोग बोलते कि कंटेनर के रिस्पेक्ट में, कंटेनर के रिस्पेक्ट में मतलब अपरेंट, ठीक है। और सिर्फ हाइट बोला है मतलब वो ग्राउंड लेवल से हाइट, कहां से? ग्राउंड लेवल से हाइट। समझ में आई बात? तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था। क्या था? स्पेशल क्वेश्चन था, इस पे आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? जब भी आपको दे रखा है कि लिक्विड की लेवल हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब आपका लिक्विड के लिए अल्फा थ्री हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? अल्फा थ्री जीरो, ठीक है। और लिक्विड की दो डायरेक्शन में जो होगी वो अल्फा अल्फा हो जाएगी, मतलब टू अल्फा आपका गामा ऑफ लिक्विड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो, और 1 to 10 में किसी को डाउट है? कौन सा? नहीं है। 11 to 22 में किसी को डाउट है? 23 to 35 कौन सा? 23 में, 23 से 25 18 तो कराया हुआ है ना, आर नहीं बढ़ता, कैसे नहीं बढ़ता? क्या हुआ? चलो देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा कैविटी है रेक्टेंगुलर और ये सर्कुलर, ठीक है। अब देखो हमें बतलाना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों पॉइंट्स जो है वो मेटल पे लाई नहीं कर रहा है ना। देखो अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बताऊं तो ये जो डायमीटर है वो एक्सपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करेगा। ये वाला जो डायमीटर है वो भी एक्सपेंड करेगा, करेगा ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो इसी में लाई कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, इन दोनों के बीच की भी दूरी बढ़ेगी, और क्या इन दोनों के बीच की भी दूरी बढ़ेगी? तो यहां से और यहां के बीच की भी तो दूरी बढ़ेगी। समझ वाली बात? क्योंकि ये डायगोनल एक्सपेंड कर रहा है तो ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ वाली बात? तो यहां पर आर भी आपका बढ़ेगा, समझे? कौन सा? फॉर द सेम मास ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी,
अब देखो ये हीट कैपेसिटी है, क्या है? हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी की जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होता है ना, तो सी ए बाई सी बी क्या हो जाएगा? स्लोप का इनवर्स का रेशियो, मतलब टेन थीटा बी बाई टेन थीटा ए। तो टेन थीटा बी ये 45 डिग्री बना रहा है, तो टेन 45 बाई टेन 60, तो ये हो जाएगा 1/√3। समझ आ रही बात? हाँ, उसको हम करेक्ट करवा दिए हैं, ठीक है। वो 1/√6 दिया हुआ था ना, हाँ। 31 से लेकर के 35 में किसी को डाउट है? 36 से लेकर के 44 में किसी को डाउट है? हाथ उठाना है और फिर पूछना। 30, अ मिक्सचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आइस एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आपके पास एक कंटेनर में 10 ग्राम आइस है, क्या है? आइस, और 20 ग्राम वाटर है। अब इसकी टेम्परेचर जो है वो हमें 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है। कितना डिग्री सेल्सियस? 20। दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो सबसे पहले आप हीट दोगे तो आइस जो है वो पिघल करके पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी, ठीक है। तब तक इस वाटर की टेम्परेचर चेंज नहीं होगी, अभी पूरा सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो आपने जो हीट दिया उससे सबसे पहले 10 ग्राम आइस जो है वो पिघल करके पानी बना, मतलब 10 × 80, तो कितना हो गया? 800 कैलोरी। समझ आई बात? अब जो है आपके पास बच गया 30 ग्राम वाटर। कितना ग्राम? 30 ग्राम वाटर, और उसकी टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ले जाना है। तो आप लिखोगे 30 × 1 × Δt 20, कितना हो जाएगा? 600। तो ये हो जाएगा 1400 कैलोरी, 1400 कैलोरी। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नहीं किए थे, ठीक है। 32 कौन सा? 14, तो वापस क्या है? 14 में जाते हो। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। देखो इसको रहने दो, अभी इस टाइप का क्वेश्चन जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोनस क्या पढ़े हो ना? हाँ, 20। अ स्टील टैप गिव्स करेक्ट रीडिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस, अ पीस ऑफ वुड इज मेजर्ड विद द स्टील टैप एट 60 डिग्री सेल्सियस। देखो 27 डिग्री सेल्सियस पे वो करेक्ट रीडिंग देता है। कैसा देता है? करेक्ट रीडिंग। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे जो भी इसकी रीडिंग रही होगी, मान लेते हैं एल नॉट लेंथ रहा होगा, कितने पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। समझ आई बात? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रीडिंग है वो एल नॉट से कम हो जाता है ना। अगर 3 सेंटीमीटर था तो 3 सेंटीमीटर से कम रीडिंग देगा, 2 पॉइंट समथिंग देगा। समझ आई बात? तो 50 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो 50 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है, ठीक है, सो दिस विल बी लेस देन एल नॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन एल नॉट, ठीक है। तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रियल लेंथ ऑफ द वुड शुड बी ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर। समझ आई बात? कहां गया? समझे? कंफ्यूज हो गया था, उसको सोच लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 23 से 35 में किसी को डाउट है? 35। आवाज में थोड़ा सा जोर बोलो। अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस ऑफ थर्मामीटर रीड्स 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 80 ओम एंड 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज 90 ओम। तो देखो अगेन आपके पास दो स्केल है। जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 80 ओम। और जब 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी रीडिंग है 90 ओम। कितना है?
तो यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म में मेजर कर रहे हैं. तो फाइंड द टेम्परेचर एट द प्लैटिनम स्केल विच इज रेजिस्टेंस 86. तो जब 86 ओम है तो टेम्परेचर पूछा जा रहा है. तो आप लिखोगे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. समझ में आएगा? तो आप लिखोगे T माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100 माइनस जीरो इज इक्वल टू टी 86 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 80. समझ में आई बात? तो आप लिखोगे T इज इक्वल टू 6 बाय 10 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस. समझ गए कि नहीं समझे? कौन? The water equivalent of 20 gram of aluminium, specific heat 0.2 calorie per gram is. नहीं निकाल सकते हो? देखो मैंने बोला था water equivalent जो होता है वो heat capacity के बराबर हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? और heat capacity जो होता है वो mass into specific heat होता है, होता है कि नहीं होता है? तो वाटर इक्विवेलेंट जो होगा वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट के बराबर हो जाएगा. मास आपको दे रखा है 20 ग्राम इनटू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 ग्राम. समझे कि नहीं समझे? और किसी को डाउट है 44 तक में, 45 से 50 तक में? अंदाजी बोल देते हो 44. द एनर्जी रिसाइकलिंग प्रोसेस एक्स ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकम्स वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो देखो एक्स ग्राम स्टीम जो है, स्टीम ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वाटर पे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर. और स्टीम की भी टेम्परेचर थी 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? विच कन्वर्ट्स y ग्राम ऑफ आइस, y ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो देखो यहां पर स्टीम ठंडा हो रहा है और वाटर बन रहा है. ठीक है? तो यहां से जो हीट निकलेगा वो होगा x इंटू 540. समझ में आई बात? x इंटू 540. इतना कैलोरी हीट निकला. और इसी हीट का यूज करके हम लोग आइस को पहले पिघलाए और फिर उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक ले गए. समझ में आई बात? तो y ग्राम आइस है उसको सबसे पहले पिघलाओगे तो उसमें हीट जो लगेगा वो लगेगा y इंटू 80 कैलोरी. लगेगा कि नहीं लगेगा? प्लस इस y ग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे. तो आप लिखोगे y इंटू 1 इंटू 100. तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस. तो आपको आंसर निकाल लेना है. कहां गया वो क्वेश्चन? तो आपको किसका निकालना है? रेशियो ऑफ x एंड y. तो आप लिखो 540x इज इक्वल टू, वो कितना हो जा रहा है? 180y. तो ये कैंसिल आउट हो गया. x बाय y इज इक्वल टू 18 बाय 1/3. आ गया ना? ये तो क्लास में कराया हुआ है ना. अ बायमेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ मेटल x एंड y. इट इज माउंटेड रिजिडली ऑन द बेस. द मेटल x हैज हायर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंपेयर टू y. व्हेन बायमेटेलिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कोल्ड बाथ. तो मतलब कोल्ड बाथ में अगर रख रहे हैं मतलब ठंडा कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं. टेम्परेचर कम हो रहा है. क्या हो रहा है? तो जब टेम्परेचर कम होता है बायमेटेलिक स्ट्रिप का, तो मैंने बोला था कि उस केस में जो इनर कर्व रहेगा उसकी अल्फा ज्यादा होनी चाहिए. समझ में आ रही बात? तो अगर देखो ये आपका x है और ये आपका y है और x की जो अल्फा है वो ज्यादा दे रखी है. अल्फा ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ y. तो अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो वो मेटल जिसका अल्फा ज्यादा है वो इनर कर्व में रहेगा. है ना? मतलब ये बेंड करेगा ऐसा.
तभी तो x का जो है वो ज्यादा हो गया ना, समझ आ रही बात। तो आपका ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, समझे। और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो आउटर में होगा, किसमें होगा, आउटर में होगा। चलो ठीक है, और किसी को डाउट है 50 तक में, किसी को? फॉर अ गिवन सब्सटेंस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज, अब देखो फ्यूजन जो होता है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो वेपोराइजेशन से कम होता है, क्या होता है, कम होता है, समझ आ रही बात। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है इट इज ऑलवेज लेस देन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, समझ आई बात। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना ये चीज। नहीं 540 और 80 नहीं किए हो, ओके। और हो गया 48। इन द गिवन फिगर टू सॉलिड्स ए एंड बी ऑफ सेम मास आर हीटेड एट कॉन्स्टेंट रेट, दोनों को हम लोग कॉन्स्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं, किस रेट से, कॉन्स्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों का टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है ऐसा, इसके लिए ये 2 मिनट है जो भी है, 4 सेकेंड, ये 6 और ये 7 और ये आपका 40 और ये आपका 60। तो आपको एल ए बाई एल बी निकालना है, क्या निकालना है, देखो अगर हम बात करें कि 1 सेकेंड में क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है, कितना क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है, तो इसकी लैटेंट हीट ऑफ, लैटेंट हीट क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग ए की बात करें, ए कौन सा है, ये ए है और ये बी, तो यहां से यहां तक बी जो है वो क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, मतलब पिघल रहा है, समझ आ रही बात। 2 मिनट 2 सेकेंड या फिर 2 मिनट या सेकेंड ले लो, जो भी ले लो, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। 2 से लेकर के 4 6 इस दौरान में बी जो है वो फ्यूज कर रहा है या फिर पिघल रहा है ना, तो उसकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप क्या लिखोगे, क्यू टोटल, 1 सेकेंड में मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए, और ये वाली जो हीट होगी ये क्या हो जाएगी, ये वाली टाइम इंटरवल 4 सेकेंड, समझ आई बात। वैसे ही अगर आप ए के लिए लिखोगे तो क्यू इंटू 4 से लेकर के 7 तो ये 3 हो जाएगा ना, समझ आई बात। और लैटेंट हीट क्या होता है, मतलब क्यू जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं एम इंटू एल, समझ आई बात। तो मास दोनों का आपको सेम दे रखा है, क्या दे रखा है, सेम। तो हम बोलेंगे कि एल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। देखो मान लो ये टी टाइम लगा रहा है, टी टाइम इंटरवल ले रहा है पिघलने में, तो टोटल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड में जो हीट दिए इंटू टाइम इंटरवल, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 सेकेंड में मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए इंटू टाइम इंटरवल टी है, तो क्यू इंटू टी हो जाएगा, है ना। अब लैटेंट हीट जो होता है वो एम इंटू एल भी होता है, समझ आ रही बात। तो आप लिख सकते हो एम एल विल बी इक्वल टू क्यू इंटू टी, एम एल विल बी इक्वल टू क्यू इंटू टी, मास सेम है और दोनों को आप सेम रेट से हीट दे रहे हो, तो आप यहां पर लिखोगे एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो एल ए बाई एल बी ये आपका हो जाएगा टी ए बाई टी बी, और टी ए आपको 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3/4 हो जाएगा, समझ आएगा। यहां पर आपको सेम रेट से हीट किया जा रहा है, मतलब ये जो क्यू है वो हीट है जो 1 सेकेंड में दिया गया, समझ आ रही बात। और ये जो है कैपिटल क्यू टी, ये आपका टोटल हीट है उसको पिघलाने में, समझ आ रही बात। तो मास आपको सेम दे रखा था, इसलिए हम बोले कि एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, समझे। किसी को डाउट है और, चलो हो गया ना, ओके चलो। हाँ
एट व्हाट टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट विल द रीडिंग ऑफ 9 टाइम्स, ये नहीं बना, एट व्हाट टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट विल द रीडिंग ऑफ 9 टाइम्स द रीडिंग ऑन द सेल्स, तो C by 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 by 9. अगर मान लो C जो है वो आपका C है, क्या है C है, तो C by 5 इज इक्वल टू फारेनहाइट में जो रीडिंग है वो 9 टाइम्स C दे रखा है, तो आप इसको लिख दोगे 9C, क्या लिख दोगे 9C, तो माइनस 32 by 9, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 9C इज इक्वल टू 9 बचे 45C माइनस 160, यही आएगा ना, अब इसको इधर कर लो उसको उधर कर लो, तो 160 इज इक्वल टू 36C, तो C इज इक्वल टू 9 × 36 = 40, क्या बोल रहे हो, द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल, तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 9C इज इक्वल टू 36C इज इक्वल टू 160, तो ये हो जाएगा 4 × 9 = 36, और ये कितना हो गया, तो 9C की वैल्यू 40 डिग्री. अब देखो आपको फारेनहाइट में जो है वो 9C है ना, तो 9C जो है वो 40 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा, समझ में आई बात, समझे, चलो गर्मी बहुत है यहां पर, चलता है, कुछ है नहीं इसमें, छोड़ दो, चलो अब लिखो कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, लिखो, इफ 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम वाटर at 60 degree Celsius, find temperature of mixture and final content in the mixture. ग्राम आइस है ना 0 डिग्री सेल्सियस, किसका किसका आंसर आया था ये वाला,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड मिक्सचर कंटेंट, मिक्सचर कंटेंट एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर व्हेन व्हेन 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ विथ 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस 10 बाकी लोग भी करो, टेन ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस तो देखो ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा, समझ आएगा। तो सबसे पहले देखो कि अगर ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, इसको हम ठंडा कर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो इस दौरान कितना हीट रिलीज करेगा, कितना करेगा, 10 इंटू 1 इंटू 100, क्योंकि 100 डिग्री ठंडा हो रहा है ना, तो आप लिखोगे 1000 कैलोरी, कितना 1000 कैलोरी। तो अगर वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया तो उससे जो हीट निकला वो कितना निकला, 1000 कैलोरी, समझ आई बात। अब अगर हम इस बर्फ को पिघलाना चाहते हैं तो पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए, 10 इंटू 80 मतलब 800 कैलोरी, क्या वो दे सकता है, दे सकता है, समझ आई बात। तो ये जो बर्फ है वो कंप्लीटली पिघल जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, कितना ग्राम, 10 ग्राम, समझ में आई बात। वो पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो चुका था और उसने हीट रिलीज किया था 1000 कैलोरी, उसमें से 800 कैलोरी जो है वो इस बर्फ को पिघालने के लिए चला गया, बचा कितना, 200 कैलोरी, कितना बचा, 200 कैलोरी। अब देखो आपके पास क्या है, ये 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस ये भी ठंडा हो गया था 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब आपके पास टोटल हो गया 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और हीट कितना बच गया, 200 कैलोरी, कितना बच गया, तो आप अब चेक कर लो कि 200 कैलोरी से इस 20 ग्राम वाटर की टेम्परेचर कितनी बढ़ेगी, समझ में आई बात। तो आप लिखोगे कि मान लो फाइनल टेम्परेचर जो है वो टी है, कितना है, टी है, तो 200 विल बी इक्वल टू 20 ग्राम इंटू 1 इंटू टी माइनस 0 कर दोगे, समझ आई बात। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री सेल्सियस, तो अब जो है 200 ग्राम कैलोरी, 200 कैलोरी जो था उससे उस 20 ग्राम वाटर की टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ी, समझ में आई बात। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और कंटेंट इन द मिक्सचर हो जाएगा 20 ग्राम वाटर, क्लियर है, ओके लिख लो। हाँ कर सकती है, तुम ऐसे भी कर सकती है कि फाइनल टेम्परेचर टी है, ठीक है, लेकिन मान लो अगर बर्फ जो है वो कंप्लीटली नहीं पिघलता है ना, तो उस केस में तुम्हारा आंसर उससे गलत आ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि उसको ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस तक कर दो, है ना, और इसको भी चेक करो कि कितना रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे स्टेप करो, ठीक है, तो उसमें गलती नहीं होगा, समझ आ रही बात। नेक्स्ट लिखो, 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम, ये 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ले लेना, ठीक है,
एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस अगेन आपको टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है एंड कंटेंट इन द मिक्सचर देखो इस आइस को आपको पिघालने के लिए कितना चाहिए 10 × 80 मतलब 800 कैलोरी आपको आइस को पिघालने के लिए चाहिए अब हम देखेंगे कि मान लो स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो पहले आप ठंडा करोगे तो ये जो है वो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा समझ मारी बात वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना हीट रिलीज करेगा 1 × 540 मतलब 540 कैलोरी अब देखो इतना सफिशियंट तो है नहीं है ना तो ये वाटर फिर से ठंडा होगा समझ मारी बात और फिर से ठंडा होकर के मान लो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक पहुंच गया तो फिर से हीट रिलीज कितना करेगा 1 × 1 × 100 मतलब 100 कैलोरी तो टोटल जो हीट रिलीज हो रहा है वो कितना हो रहा है 640 कैलोरी और आपको चाहिए कितना 800 कैलोरी क्या पूरा का पूरा आइस पिघलेगा नहीं पिघलेगा समझ आई बात तो अब आप मान लो कि m मास जो है वो आपका आइस जो है वो पिघल रहा है क्या कर रहा है पिघल रहा है तो m × 80 शुड बी इक्वल टू 640 वो पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होकर के टोटल हीट रिलीज किया 640 उसी के कारण से आइस जो है वो पिघलेगा तो हमने लिख दिया 640 इज इक्वल टू m × 80 तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ग्राम मतलब 10 ग्राम आइस से 8 ग्राम आइस जो है वो पिघल रहा होगा समझ आई बात तो फाइनल जो आपका मिक्सचर होगा उसमें 8 ग्राम ये वाला वाटर हो गया प्लस वो 1 ग्राम वाटर जो ठंडा होकर के आया था टोटल कितना हो गया 9 ग्राम वाटर और आइस कितना रह जाएगा 2 ग्राम समझ आई बात और टेम्परेचर कितना होगा तो मिक्सचर की टेम्परेचर आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस समझ आई बात लिख लो कर लिए थे ये वाला क्वेश्चन कितने लोग कर लिए थे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ये लिख लिए ना किसी को कॉपी करना है चलो लिखो 10 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम वाटर at 30 degree Celsius. Find temperature of mixture and content. कितना? 11.25 बाकी लोग भी करो आया आंसर शिवम जाधव बाहर जाना है तुमको भी जाना है चलो देखो अगर हमें इसे पहले तो पिघालना है ना तो पिघालने के लिए पहले आप जब हीट दोगे तो ये जो -40 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी और वो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा कहां तक जाएगा तो पहले ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस में तो उस दौरान जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो लिखोगे 10 ms∆T अगेन यूज करेंगे समझ आई बात आइस के लिए सी कितनी होती है हाफ
और टेम्परेचर कितना बढ़ा 40, तो ये हो गया 200 कैलोरी। कितना कैलोरी? 200 कैलोरी। समझ में आई बात? और अगर आप इस आइस को फिर पिघालना चाहते हो तो और 10 × 80 मतलब कितना चाहिए? 800 कैलोरी। समझ आई बात? तो टोटल आपको पिघालने के लिए चाहिए 1000 कैलोरी। कितना चाहिए? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये ठंडा होकर के उतना हीट दे पाता है या नहीं दे पाता है। समझ आई बात? तो जब ये ठंडा होगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो 10 × 1 × 330 मतलब 300 कैलोरी देगा। कितना देगा? 300 कैलोरी। समझ आई बात? ये अब आ गया 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। देखो -40 से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में इसको चाहिए 200 कैलोरी, है ना? ये पूरा ठंडा होकर के 0 डिग्री सेल्सियस तक 300 कैलोरी दे रहा है, तो इसमें से 200 कैलोरी जो है वो आइस को -40 से 0 तक लाने में खर्च हो जाएगा। समझ आई बात? बचा कितना? 100 कैलोरी। कितना बचा? 100 कैलोरी। और वही 100 कैलोरी से ये जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट होगा, है ना? तो क्या कंप्लीटली आइस पिघल पाएगा? नहीं पिघल पाएगा। समझ आई बात? तो मान लेते हैं कि हम लोग एम मास ऑफ आइस जो है वो पिघला। कितना मास? एम मास। तो हम लिखेंगे m × 80 = 100, क्योंकि अब 100 बच गया ना। टोटल ये ठंडा होकर के 300 कैलोरी रिलीज किया, उसमें से 200 कैलोरी जो है वो -40 से 0 तक लाने में खर्च हो गया, तो बचा 100 कैलोरी, उसी के कारण आइस जो है वो पिघलेगा। समझ में आई बात? तो आप लिखोगे m = 10/8, मतलब कितना आ रहा है? 1.25 ग्राम। तो 10 ग्राम आइस से 1.2 ग्राम आइस जो है वो पिघलेगा। समझ में आई बात? तो कितना बच गया? 8.75 ग्राम जो है ये आपका आइस के फॉर्म में रहेगा, और वाटर जो है ये 1.25, और प्लस जो ये 10 ग्राम वाटर जो ठंडा हुआ था वो भी तो मिक्सचर में है। समझ में आई बात? तो वाटर जो है आ जाएगा 11.25 ग्राम वाटर, और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या बोलोगे? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? तो आपको स्टेप वाइज सोचना है। कैसे सोचना है? स्टेप वाइज। समझ में आई बात? लिख लो किसका किसका आंसर आ गया था, अच्छे से हाथ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, करोगे सॉल्व? चलो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 1.1 केजी ऑफ वाटर, 1.1 केजी ऑफ वाटर कंटेंड इन अ कैलोरीमीटर, कंटेंड इन अ कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 केजी एट 15 डिग्री सेल्सियस टिल द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरी मीटर एंड इट्स कंटेंट राइजेस टू 80 डिग्री सेल्सियस What is the mass of steam condensed? What is the mass of steam condensed? What is the mass of steam condensed?
सॉल्व करते हो? वन पॉइंट वन के जी वाटर है और कैलोरी मीटर की वाटर इक्विवेलेंट आपको दे रखी है 0.02 के जी। अच्छा, कितने लोग क्वेश्चन समझ गए? पढ़ के समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। चलो देखो, क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि आपके पास एक कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर मतलब बर्तन है, क्या है? बर्तन, वेसल है, ठीक है, और इसमें जो है वाटर है, वाटर है 1.1 केजी वाटर है। कितना है? 1.1 केजी वाटर। और कैलोरी मीटर की जो वाटर इक्विवेलेंट आपको दे रखी है यह है 0.02 केजी। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कि हम कैलोरी मीटर की जगह इतना मास वाटर एज्यूम कर सकते हैं। समझ में आई बात? इस कैलोरी मीटर की जगह हम लोग इतना मास वाटर एज्यूम कर सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि इसमें से स्टीम पास करा रहे हो, ऐसे कोई पाइप लगा दिए और इसमें से स्टीम पास करा रहे हैं, तो ये स्टीम क्या करेगा? वाटर प्लस कैलोरी मीटर इसकी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। समझ रहे हो? खुद ठंडा होकर के इसकी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। समझ हमारी बात? स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले स्टीम तो कंडेंस्ड होगा, कंडेंस्ड होगा तो उसमें से हीट रिलीज होगा और उस हीट के कारण कैलोरी मीटर प्लस वाटर की टेम्परेचर क्या हो रही है? कहां से कहां बढ़ रही है? 15 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रही है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले यह देखो कि अगर आपको कैलोरी मीटर प्लस वाटर की टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा? कितना हीट देना पड़ेगा? तो 1.1 केजी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1100 ग्राम लिख सकते हैं ना, ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो। इतना ग्राम वाटर आपका है और कैलोरी मीटर जो है वो उसकी मास दे रखी है 0.02 केजी। मतलब इसकी जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं? 20 ग्राम लिख सकते हैं ना, है ना, दिस इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो कैलोरी मीटर के जगह हम लोग 20 ग्राम वाटर ही ले लेंगे। क्या कर लेंगे? वाटर ही ले लेंगे। समझ आई बात? तो प्लस 20 ग्राम वाटर, ये 20 ग्राम किसके लिए लिए हैं? कैलोरी मीटर के लिए हैं। किसके लिए लिए हैं? कैलोरी मीटर। अब इसकी टेम्परेचर, ये पूरा का पूरा वाटर है, इसकी टेम्परेचर हमें 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है तो हम लिखेंगे m इंटू सी वन और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 65, क्योंकि 65 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो ना। समझ में आई बात? तो हमें इतना हीट चाहिए अगर हम उसकी टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाहते हैं। समझ में आई बात? ये हीट कहां से मिलेगा? स्टीम से मिलेगा। कहां से मिलेगा? स्टीम। अब देखो स्टीम कैसे हीट दे रहा है। स्टीम जो है, मान लेते हैं कि m मास ऑफ स्टीम जो है वो कंडेंस्ड हुआ। क्या हुआ? कंडेंस्ड हुआ। तो m मास ऑफ स्टीम अगर कंडेंस्ड हुआ तो m इंटू 540 कैलोरी, इतना हीट दिया होगा। समझ में आई बात? प्लस देखो फाइनली टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है ना, तो जब स्टीम कंडेंस्ड हुआ तो उसकी वाटर जो है उसकी टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो फिर ठंडा होगा ना 80 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसमें भी हीट रिलीज होगा। क्या होगा? हीट रिलीज होगा। तो वो वाला भी हीट हम लोग ऐड करेंगे m इंटू 100 से अगर 80 तक ठंडा हो रहा है तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 20। तो 20 हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। समझ भाई बात? तो अगर m मास ऑफ स्टीम जो है वो कंडेंस होकर के 100 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है तो टोटल हीट निकलाएगा m इंटू 540 प्लस m इंटू 1 इंटू 20। समझ में आई बात? एंड दिस हीट शुड बी इक्वल टू दिस वन, और यहीं से आपको m निकालना है। समझ में आई बात? तो अब क्या करो कि आप इसको ऐड कर दो, 560 इंटू m इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1120
इंटू 65, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये दो से कट गया ना, तो ये कितना आ गया 130 ग्राम, कितना ग्राम 130 ग्राम, तो 130 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो कंडेंस्ड हुआ होगा, समझ में आई बात, 130 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो कंडेंस्ड होकर के 80 डिग्री सेल्सियस तक फाइनली उसका टेम्परेचर पहुंचा, तब जाकर के वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ा, समझे कि नहीं समझे, तो समझो इस चीज को, मतलब जब तक उसको तुम स्टेप वाइज नहीं सोचोगे ना तब तक फिर दिक्कत है, समझ में आई बात, लिख लो, आपको हीट कहां कहां से रिलीज हो रहा है और कहां कहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, लिख लिए क्या, कितने लोग आए हो तो पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करके आए हो, अच्छा चलो ठीक, अब हम लोग देखेंगे, हाँ लिख लिए, डिग्री सेल्सियस पूरा कैलोरीमीटर प्लस वाटर्स दोनों, चलो अब हम लोग देखेंगे फेज डायग्राम, हेडिंग डालो फेज डायग्राम, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, देखो कैलोरीमीटर का आज जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करना जो असाइनमेंट में दिए हैं, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा, जो जो क्लास में क्वेश्चन कराया गया है वो कर लेना और जो क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे वो कर लेना, ठीक है, और जो नहीं बने वो पूछना फिर, है ना, देखो फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम होता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व, किसी भी सब्सटेंस के लिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व, समझ आई बात, फेज डायग्राम, जैसे वाटर का अगर हम लोग फेज डायग्राम देखें, वाटर का अगर हम लोग फेज डायग्राम देखें, इधर हम लोग प्रेशर ले लेंगे और इधर हम लोग टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है, तो वाटर की जो फेज डायग्राम रहती है वो कुछ ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है, इसमें देखो ये वाली जो साइड है ये आपका सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, किसको, देखो फेज का मतलब क्या होता है, फेज मतलब स्टेट, ठीक है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज, वैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तो फेज और स्टेट ऑलमोस्ट सेम है, समझ में आ रही बात, तो ये आपका सॉलिड स्टेट हो गया या सॉलिड फेज हो गया, इस वाले रीजन में जो वाटर है या H2O जो है वो आपका लिक्विड फेज में रहेगा, किस फेज में, लिक्विड फेज में, और इस वाले रीजन में शो कर रहा है कि जो वाटर या H2O जो है वो आपका गैसियस फेज में है, किस फेज में, गैसियस फेज में, देखो अगर हम इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें, अगर मान लो ये टेम्परेचर ले लो, ठीक है, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप अलग अलग प्रेशर रखते हो, जैसे प्रेशर हम लोग बहुत कम रखे, क्या रखे, बहुत कम, तो इस केस में जो वाटर है वो आपका गैस फेज में पाया जाएगा, है ना, अगर इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे देखते हो तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, गैस, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो अब देखो इस पॉइंट में आ गया, इस पॉइंट में देखो ये सॉलिड स्टेट वाले रीजन में लाई कर रहा है ना, तो मतलब यहां पर वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट या सॉलिड फेज में, और प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, तो यहां पर देखो ये लिक्विड रीजन में लाई कर रहा है, मतलब इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर जो है आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, समझ में आई बात, तो बेसिकली फेज डायग्राम आपको बतलाता है कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे
उस सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा या फिर सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा या फिर गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब देखो इसमें आपको तीन लाइंस दिख रही होंगी, है ना, तीन लाइंस दिख रही होगी। एक ये वाली लाइन, इसको हम नामकरण कुछ कर देते हैं, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और इसको हम नाम देते हैं सी। ठीक है, ये जो ओए लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो है ये बाउंड्री है सॉलिड और लिक्विड में। समझ में आई बात? इस पॉइंट पे अगर हम लोग, आप इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट ले लोगे, इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड ये दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेगा, लिक्विड और सॉलिड एक साथ आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूजन लाइन, फ्यूजन लाइन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन लाइन। ठीक है, कहां है? अच्छा, फ्यूजन लाइन। ठीक है, फ्यूजन लाइन। अगर आप ओबी वाले लाइन पे देखोगे तो इस वाले लाइन पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे आपको लिक्विड और गैस एक साथ देखने को मिलेगा, लिक्विड और गैस एक साथ देखने को मिलेगा। समझ आई बात? अगर आप इस टेम्परेचर पे देखो और इस प्रेशर पे देखो तो आपको लिक्विड और गैस जो है वो एक साथ देखने को मिलेगा, मतलब बर्फ सॉरी वाटर और गैस, वाटर वेपर, ये आपको एक साथ देखने को मिलेगा। समझ आई बात? ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व, और इसे आप स्टीम लाइन भी बोल सकते हो। समझ आई बात? स्टीम लाइन, इसको आप फ्यूजन लाइन या फिर आइस लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, आइस लाइन। तो आइस लाइन क्या हो गया? ओए वाला लाइन। समझ आया? आइस लाइन में कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पर आपको सॉलिड और लिक्विड एक साथ देखने को मिलेगा। समझ आया? ये आपका हो गया कौन सा? स्टीम लाइन, है ना। और इस लाइन के अलोंग जाओगे तो आपको सॉलिड और गैस जो है वो एक साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व। और इसको और एक नाम से जानते हैं, कोई बता सकते हो? होर फ्रॉस्ट लाइन। ठीक है, होर फ्रॉस्ट लाइन। ठीक है, होर फ्रॉस्ट लाइन। तो होर फ्रॉस्ट लाइन कौन सा लाइन है आपका? ओसी, जिसमें सॉलिड और गैस जो है वो एक साथ एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात? लिख लो आप, फ्यूजन कर्व बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, जो बोलना है बोलो। वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है? हाँ, ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। अगर हम बोलते हैं वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके साथ हमको ऐड करना चाहिए एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर या फिर 10^5 पास्कल प्रेशर। समझ में आई बात? क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसमें हर एक पॉइंट जो है वो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट बतला रहा है। क्या बतला रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट बतला रहा है। समझ में आ रही बात? अगर आप कोई पार्टिकुलर प्रेशर पे देखोगे तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट ये वाली टेम्परेचर हो जाएगी। समझ आ रही बात? इस प्रेशर पे देखोगे तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट ये वाली हो जाएगी। तो हम लोग जब 0 डिग्री सेल्सियस उसकी फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं तो उसके साथ हमें इंक्लूड करना चाहिए 1 atm प्रेशर। समझ आई बात? 1 atm प्रेशर पे वाटर की टेम्परेचर जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस होती है। वैसे ही 1 atm प्रेशर पे वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। समझ में आई बात? तो देखो अगर इस कर्व में हम लोग एक ऐसा पॉइंट लें, ये वाला प्रेशर ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका 10^5 पास्कल है, 10^5 पास्कल है। ठीक है, 10^5 पास्कल है। ठीक है, तो इस प्रेशर पे जो आपको टेम्परेचर मिलेगा ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ये वाली जो लाइन है इसमें कोई सा भी पॉइंट लोगे, ये वाला पॉइंट, तो ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा है।
क्योंकि इससे इधर जा रहे हो तो आपका लिक्विड मिल रहा है, इससे इधर सॉलिड, तो सॉलिड लिक्विड को इंटरफेस कर रहा है ना, तो ये वाला जो टेम्परेचर हो जाएगा ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट को बतलाएगा। इसी प्रेशर पे अगर आप स्टीम लाइन में जाओगे, ठीक है, ओबी वाले लाइन में, तो ये जो टेम्परेचर है ये आपको बॉइलिंग पॉइंट को बतलाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। किसको बतलाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आई बात? अब देखो, अगर मान लो आप 10^5 पास्कल से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो, क्या कर दो? बढ़ा दो, मतलब इस वाले प्रेशर पे चले जाओ। अगर हम लोग प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आइस जो है या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घटेगा कि बढ़ेगा? अब देखो, अब जो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये जो लाइन है इसके कोरस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट कहीं यहां पे आ रहा है ना, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ आई बात? अब इसी प्रेशर पे अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट यहां पे आ रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट घट गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर आप प्रेशर को थोड़ा सा घटा दो, प्रेशर को थोड़ा सा घटा दो, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर ले लेते हैं, है ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेल्टिंग पॉइंट आएगी वो कहां पे आएगी? 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बढ़ा। क्या हो जाएगा? बढ़ा। तो प्रेशर अगर आप घटा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। अब 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। समझ में आई बात? तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएं, है ना, या फिर घटाएं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो आप कर्व को देख करके बता सकते हो, लिख लो। देखो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग फेज डायग्राम होता है, ठीक है। ये वाटर के लिए फेज डायग्राम है। किसके लिए है? वाटर के लिए फेज डायग्राम है, ठीक है। ये वाटर की फेज डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन है प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप सीधा कर्व ड्रॉ करो, ठीक है, वहां से प्रेशर को बढ़ाओ या घटाओ और उसके कोरस्पॉन्डिंग देख लो कि टेम्परेचर में क्या चेंजिंग आ रहा है ना, तो वहां से आप इजिली करेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पर ये वाली जो पॉइंट है ओ, यहां पर तीनों लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब यहां पर आपको इस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट मिलेगा। समझ आया? तीनों एक साथ देखने को मिलेगा, मतलब बर्फ, पानी और वाटर वेपर, ये तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा। समझ आई बात? तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ये जो टेम्परेचर होता है ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है, लिख लेना, एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको आप क्या लिख सकते हो? 273.16 केल्विन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 273.16 केल्विन। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है ये होता है 0.61 किलो पास्कल। कितना पास्कल? किलो पास्कल, ठीक है, 0.61 किलो पास्कल। इसको आप लिख सकते हो 4.2 mm of Hg, 4.2 mm of Hg। तो 0.61 किलो पास्कल बोल सकते हो या फिर 4.2 mm ऑफ Hg। किसका मोबाइल है? हो गया,
डायरेक्ट आएगा तो टिक मार दोगे ना ट्रिपल पॉइंट का, लिख लेना एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट तो देखो प्रेशर अगर आप कम करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है वाटर की, कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, कम हो जाएगा प्रेशर अगर कम करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, समझ आई बात। अब देखो अगर मान लो हम CO2 के लिए देखें तो CO2 के लिए आपका जो कर्व होता है अलग अलग सब्सटेंस के लिए फेज डायग्राम अलग अलग होगा, समझ आई बात। तो हम वाटर के लिए यह चीज बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से कम हो जाएगा और प्रेशर कम करने से कम हो जाएगा। लेकिन CO2 के लिए अगर कर्व होगा तो ये कुछ इस तरीके से होता है कर्व CO2 के लिए, ऐसा समझ आ रही बात। अब मान लो कि अगर इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे 1 atm पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है ये, समझ आ रही बात, और बॉइलिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहां पर देखो आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर को क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, समझ में आई बात। तो यहां पर अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, समझ आई बात। और अगर प्रेशर घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी घट रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है, समझ में आई बात। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक सब्सटेंस के लिए सेम हो, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा, दिस इज ओनली फॉर वाटर, समझ आई बात। चलो हाँ क्या हो गया, चलो तो ये आपका फेज डायग्राम हो गया, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेनली आपका प्रेशर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ आई बात। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हेडिंग डालो हीट ट्रांसफर, क्या चीज, नहीं नहीं इसका जरूरी नहीं, ठीक है। अगर आपको किसी स्पेशल सब्सटेंस का दिया रहेगा तो उसका डायग्राम भी आपको दे देगा, समझ आई बात, डायग्राम भी आपको दे देगा। लिखो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कब होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, समझ में आई बात। दो बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हीट का ट्रांसफर होगा, समझ में आई बात, लिख लो। हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर when temperature difference exists between the bodies। देखो यहां पर हीट ट्रांसफर मतलब नेट हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, किसकी, नेट हीट ट्रांसफर, तो आगे में नेट लिखा लिख दो, हीट ट्रांसफर जो लिखे है ना उसके आगे नेट लिख दो, नेट हीट ट्रांसफर, समझ में आई बात। नेट हीट ट्रांसफर तभी होगा जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, समझ में आई बात। अब देखो
हीट ट्रांसफर कितने मोड से हो सकता है? कौन कौन सा? कंडक्शन, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है? जैसे मान लो कि एक रॉड है ना, एक रॉड है, अब इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, हर एक पार्टिकल्स जो है वो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम यहां पर इस वाले इंड को हीट देते हैं, मतलब कि गर्म कर रहे हैं, है ना, तो इस वाले पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ेगी, है ना। इसकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो ये क्या करता है कि इसके साथ टकराता है और इसकी भी वाइब्रेशन बढ़ती है ना, फिर ये इसके साथ टकराता है और इसकी भी वाइब्रेशन बढ़ती है, एंड सो ऑन। वाइब्रेशन अगर बढ़ रहा है तो बेसिकली हीट का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, और अभी इसकी टेम्परेचर बढ़ रही है, फिर इसकी भी टेम्परेचर बढ़ेगी क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ रहा है, समझ आई बात। तो बेसिकली यहां पर वाइब्रेशनल मोशन के कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वाइब्रेशनल मोशन के कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं कर रहे हैं, तो कंडक्शन मोड में वाइब्रेशनल मोशन के कारण हीट का ट्रांसफर होता है और पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं करते हैं, समझ, जो जगह था पार्टिकल वही जगह वाइब्रेट कर रहा है ना। दूसरा रीजन यह है कि कंडक्टर्स में देखो, अब कोई भी बॉडी जो है वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। कंडक्टर जैसे मेटल लोगे तो उसमें जल्दी जल्दी कंडक्शन होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, है ना। तो उसमें दो रीजन है, एक तो वाइब्रेशनल मोशन के कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण भी कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है। इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, समझ आई बात। तो कंडक्शन में आपका दो रीजन हुआ, एक तो वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, दूसरा मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो कंडक्शन। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन के नीचे लिखना हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके नीचे लिखना नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर। क्या हुआ, क्या बोलना है, बोलो, वोमिटिंग हो रही है, कहां बाहर जाना है, हैं? जाओ जाओ, आराम से चलो चलो, वोमिटिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, समझा। तुम लोग भी बस में चलते हो ना, है? चलो लिख लिए, काम की बात करें। अब यहां पर पार्टिकल एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं होता है, सीधी सीधी बात यही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मोशन और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन दोनों के कारण आपका हीट का ट्रांसफर होगा, समझ में आई बात। उसके नीचे लिखना बहुत स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे। अब आप जैसे कि मैगी बना रहे हो, ठीक है, और उसमें चम्मच डाले हुए हो, तो अचानक आपका चम्मच गर्म थोड़ी होता है, समझ आई बात। बहुत देर तक उसको रहने दो, उसके बाद फिर से चम्मच को पकड़ो तो वो गर्म हो जाता है ना, तो टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है, इसलिए स्लो प्रोसेस लिख देना, समझ में आई बात। चलो दूसरा कन्वेक्शन,
कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका वाटर है, बीकर में लिए हुए हो और इसको आप गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो गर्म, तो पहले नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होता है, क्या होता है गर्म, फिर ये जो है इसकी डेंसिटी, ये गर्म होता है तो एक्सपेंड करता है, क्या करता है एक्सपेंड, और इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अभी पढ़े ना थर्मल एक्सपेंशन में कि गर्म करोगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, गर्म कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, उसमें भी एक्सपेंस अति आ जाता है एक्सेप्शन। तो जब आप इसको गर्म कर रहे हो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ये ऊपर की ओर उठता है और ऊपर में जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आएगा, समझ में आई बात। तो यहां पर डेंसिटी डिफरेंस के कारण आपका हीट का ट्रांसफर होता है, यहां पर डेंसिटी डिफरेंस के कारण आपका हीट, अगर डेंसिटी डिफरेंस ना हो, अगर डेंसिटी डिफरेंस ना हो तो ये पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा और नीचे नहीं आएगा, समझ आएगा। तो लिखो कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस है कि नहीं है, पार्टिकल एक्चुअली मूव कर रहा है ना। जैसे मान लो कि आप चावल खा रहे हो, क्या खा रहे हो चावल, गर्मा गर्म अभी निकला है, ठीक है, कुकर या कड़ाही जो जो भी है उससे चावल जो है वो आपका गर्मा गर्म निकला है ना। तो ये क्या होता है, जब इसके ऊपर वाले पार्टिकल्स जो हैं वो गर्म होते हैं, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा और ऊपर का जो ठंडा वाला एयर है वो यहां पे आता है, तो यहां पर भी आपका कन्वेक्शन के थ्रू जो है वो ठंडा होता है, कूल होता है, समझ आई बात। अगर इसी चीज को वैक्यूम में ले जाओ, कहां ले जाओ वैक्यूम में ले जाओ, ठीक है, तो वैक्यूम में ये ठंडा ही नहीं होगा क्योंकि वहां पर कन्वेक्शन होगा ही नहीं, वहां पर कन्वेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर में कोई एयर है जो कि इसको रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा, समझ हमारी बात, तो वहां पर ठंडा नहीं होगा, ठीक है। हाँ कोई सर सर कर रहे थे, अच्छा अब देखो ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है ना, ये क्या है स्लो प्रोसेस है, अगर आप इसको जल्दी ठंडा करना चाहते हो तो फिर फूंक मारते हो, क्या करते हो फूंक मारते हो ताकि ये जो गर्म वाला एयर है वो यहां से जल्दी से हटे और फिर ठंडा वाला एयर क्या हो नीचे आए, समझ में आ रही बात। चलो लिखो इसके नीचे भी स्लो प्रोसेस कन्वेक्शन के नीचे भी लिखना स्लो प्रोसेस, वेरी फास्ट। क्या कंडक्शन से, अच्छा देखो कंडक्शन जो है वो उसमें हीट फ्लो होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, किधर से फ्लो होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। कन्वेक्शन में आपका किधर से किधर हीट फ्लो होगा, हाई डेंसिटी टू नहीं, इधर लो डेंसिटी था ना और इधर हाई डेंसिटी, तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी, समझ में आई बात, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। अब देखते हैं रेडिएशन में, तो रेडिएशन में इन दोनों में देखो मीडियम की जरूरत थी, इन दोनों में मीडियम की जरूरत थी, अगर इसमें मीडियम नहीं रहेगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, कन्वेक्शन में अगर मीडियम नहीं रहेगा पार्टिकल में रहेगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन रेडिएशन में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, समझ आई बात। यहां पर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव के फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रेडिएशन में नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलता है, इसलिए इसमें मोड ऑफ ट्रांसफर जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। समझ में आई बात? तो दिस इज द क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन सा? रेडिएशन है। समझ में आई बात? लिखो हेयर, हेयर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेनली बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड इज ऑलमोस्ट 3 × 10⁸। इसलिए ये क्विकेस्ट फॉर्म है, लिख लो नीचे में, क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। डिफरेंस समझ में आ गया? इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंडक्टर्स जो है वो उसकी कंडक्टिविटी वो ज्यादा क्यों होती है, मतलब वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों होता है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स के अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। समझ आई बात? इस कारण से उसमें हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है। समझ आई बात? चलो नेक्स्ट लिखो कंडक्शन। अब हम लोग कंडक्शन देखेंगे। कंडक्शन में देखो सबसे पहले आता है स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट, और इसको अनस्टेडी भी बोल सकते हैं, अनस्टेडी स्टेट। अब ये समझते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक रॉड है। अभी देखो सपोज कि इस वाले एंड की टेम्परेचर जो है ना, वो भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, और ये भी पूरा का पूरा रॉड जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए थे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस वाले एंड को हीट करना स्टार्ट किया। समझ आई बात? तो ये वाला जो पार्टिकल है उसकी टेम्परेचर पहले बढ़ेगी। समझ आई बात? इसकी टेम्परेचर बढ़ी और ये इसकी वाइब्रेशन भी बढ़ी है ना, तो इसने कुछ हीट जो है वो इसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी भी टेम्परेचर बढ़ी, फिर इसने कुछ हीट नेक्स्ट को ट्रांसफर किया, फिर ऐसे करते करते इसकी भी कुछ टेम्परेचर बढ़ी होगी। समझ आई बात? तो सपोज इसकी टेम्परेचर जो है वो अभी 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो पार्टिकल था उसका टेम्परेचर बढ़ा 10 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10। और इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। समझ आएगा? अब देखो इसको और हीट किए तो इसकी टेम्परेचर और बढ़ी। अब इसकी टेम्परेचर हो गई 50 डिग्री सेल्सियस, इसकी टेम्परेचर हो गई 25 डिग्री सेल्सियस, और इसकी टेम्परेचर हो गई 15 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो समय के साथ इसकी भी टेम्परेचर चेंज हो रही है, इसकी भी टेम्परेचर चेंज हो रही है, और इसकी भी टेम्परेचर चेंज हो रही है। टाइम के साथ किसी भी पॉइंट पे एक पार्टिकल को देखोगे या किसी भी पॉइंट की टेम्परेचर देखोगे, उसकी टेम्परेचर अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं वेरिएबल या फिर अनस्टेडी स्टेट। क्या स्टेट?
अनस्टेडी स्टेट। तो अगर किसी पॉइंट की टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनस्टेडी स्टेट या फिर वेरिएबल स्टेट। समझ में आई बात? अब कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि इसकी टेम्परेचर हो गई 80 डिग्री सेल्सियस, इसकी हो गई 50 डिग्री सेल्सियस और इसकी हो गई 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गर्म करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फिर गर्म करते जा रहे हो, अभी भी मोमबत्ती जल रहा है। ठीक है, मोमबत्ती बुझा नहीं है। अब फिर से इसको गर्म कर रहे हो, अभी भी इसकी टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, अभी भी इसकी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और अभी भी इसकी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। समझ आई बात? तो देखो यहां से यहां तक जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा था, उसके बाद यहां तक देखो 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस तक देखो, है ना। उस दौरान आप किसी पॉइंट की, इस पॉइंट की टेम्परेचर की बात करो या इस पॉइंट की बात करो या इस पॉइंट की बात करो, किसी भी पॉइंट की टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे अनस्टेडी या फिर वेरिएबल स्टेट। अब देखो 80 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो रहा है कि भले ही इसको गर्म कर रहे हो लेकिन इस पॉइंट की टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज, इस पॉइंट की टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज, इस पॉइंट की टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज, तो हम बोलेंगे कि अब ये स्टेडी स्टेट में है। किसमें है? स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट की टेम्परेचर टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहे या फिर चेंज ना करे। किसी दो अलग अलग पॉइंट की, सेम रॉड में किसी दो अलग अलग पॉइंट की टेम्परेचर अलग अलग हो सकती है, समझ में आ रही बात, लेकिन किसी एक पॉइंट की टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसे हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। ठीक है, लिखो स्टेडी स्टेट। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पार्टिकुलर पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर और रिमेन कॉन्स्टेंट विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट में लिख लो इफ द टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट चेंजेस विथ टाइम then it is called unsteady or variable state। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अब देखो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट की स्टेडी स्टेट के लिए कंडीशन क्या है कि dt/dt ये होना चाहिए जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। टेम्परेचर टाइम के साथ आपका चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब dt/dt क्या होना चाहिए? जीरो। समझ आ रही बात? dt/dt जीरो होना चाहिए। लिख लो Change of temperature with respect to time should be zero. देखो हो क्या रहा है,
बेसिकली अगर मान लो हम एक रॉड को गर्म कर रहे हैं, हम एक रॉड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल था। अभी मान लो अनस्टेडी स्टेट में है, मतलब समय के साथ इसकी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकती है, समझ आई बात। तो अभी ये वाइब्रेट कर रहा था मान लो, ठीक है, अभी ये वाइब्रेट कर रहा था कुछ, इसने इसको कुछ हीट दिया, ठीक है, इसने कुछ हीट दिया, उस हीट का कुछ पार्ट जो है ये एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। मान लो इसने 100 जूल इसको दिया, तो उसमें से उसने क्या किया कि 60 जूल एब्जॉर्ब कर लिया, 60 जूल एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी टेम्परेचर बढ़ी, मतलब वाइब्रेशन बढ़ी, क्या हो रही, वाइब्रेशन बढ़ी। बाकी जो 40 जूल है वो उसने नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दिया। फिर इसने कुछ उसमें से एब्जॉर्ब किया और बाकी जो रेस्ट था उसको नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दिया। इसने भी क्या किया, इसमें से कुछ जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब किया और बाकी जो है वो यहां से सराउंडिंग को रिलीज कर दिया या निकाल दिया, समझ में आ रही बात। तो जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उसकी टेम्परेचर बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है, क्या बढ़ती है, वाइब्रेशन या फिर टेम्परेचर। तो इधर से कुछ हीट इसको दिया, इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया। फिर इसने उसमें से कुछ एब्जॉर्ब किया और नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दिया, इसने भी एब्जॉर्ब किया और फिर नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो जब एब्जॉर्प्शन होता है ना तो अनस्टेडी स्टेट होता है, कौन सा स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, क्योंकि टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, समझ में आई बात। स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि मान लो इसने 100 जूल दिया, इसने कोई एब्जॉर्प्शन नहीं किया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, इसने कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं किया, पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर इसने भी कोई एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर कर दिया। फिर इसने भी कोई एब्जॉर्ब नहीं किया, पूरा का पूरा हीट जो है वो उधर निकाल दिया, दिस इज द स्टेडी स्टेट, समझ में आई बात। तो स्टेडी स्टेट में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, पूरा का पूरा हीट को जो है वो ट्रांसफर करता जाता है, क्या करता जाता है, ट्रांसफर करता जाता है, समझ में आई बात। अब सपोज कि अगर हमारे पास एक रॉड है, अगर हमारे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ है L, कितनी है L, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर रॉड को देखोगे तो ऐसा है कुछ, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, क्या है, A है। अभी हम लोग जितना भी कंडीशन पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट में, किस में पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में मतलब किसी भी एक पॉइंट की टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आई बात। लेकिन जैसे जैसे आप लेंथ के अलोंग जाओगे ना इधर की ओर, है ना, तो वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, समझ में आई बात। अब देखो सपोज ये वाला जो एंड है वो हाई टेम्परेचर पे है TH, और ये वाला जो एंड है ये लो टेम्परेचर है TL। मान लो यहां पर आग लगाए हुए हैं या फिर बॉइलिंग वाटर में इसको डाले हुए हैं, और इस वाले को हम लोग आइस में डाले हुए हैं, किस में डाले हुए हैं, आइस में। तो इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगी, और इसकी टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर में है तो किसमें, 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगी। तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, वो लो टेम्परेचर हो गया। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि बॉइलिंग वाटर से अगर मान लो हीट जा रहा है ना, वो पूरा का पूरा हीट जो है वो इधर की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मान लो कि एक सेकेंड में क्यू अमाउंट ऑफ हीट गया, एक सेकेंड में क्यू अमाउंट ऑफ हीट गया, तो इसे हम बोलते हैं dQ/dt। dQ/dt क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो, क्या बोलते हैं इसे, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब हीट फ्लोस पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो कर रहा है, समझ आएगा, लिख लो रेट ऑफ हीट फ्लो। dQ/dt इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, एक सेकेंड में कितना हीट फ्लो किया, समझ में आई बात। एक सेकेंड में 100 जूल हीट फ्लो किया है ना, तो dQ/dt हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है, 100 जूल पर सेकेंड। अब देखो
ये जो dQ by dt है ना, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। dQ by dt इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, समझ आ रही बात, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? डीटी बाई डीएक्स। देखो यहां पर एक टर्म और आता है डीटी बाई डीएक्स, समझ में आया? डीटी बाई डीएक्स मतलब यहां से देखो एक्स दूरी जा रहे हो, है ना, तो एक्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा टेम्परेचर कैसे चेंज कर रहा है, एक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कैसे चेंज कर रहा है, यही आपका डीटी बाई डीएक्स हो गया। इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखो जैसे जैसे आप एक्स इधर की ओर जा रहे हो ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, समझ आई बात। तो बेसिकली यहां पर जो डीटी बाई डीएक्स होगा वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, समझ रहे हो? देखो डीटी, डीटी बेसिकली आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या है, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और डीएक्स आपका डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस। मान लो आप डेल्टा एक्स दूरी जा रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर आपका कम होगा, यहां का टेम्परेचर कम होगा और यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कम माइनस ज्यादा करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, तो यहां पर डीटी बाई डीएक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। तो हम यहां पर लिखेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डीटी बाई डीएक्स, माइनस ऑफ डीटी बाई डीएक्स, ठीक है। तो dQ by dt जो आता है ये आपका आता है प्रोपोर्शनल टू a इंटू माइनस ऑफ dt by dx। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम लोग यहां पर तो क्या लगता है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, सीधा सीधे क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो डीटी बाई डीएक्स को हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, डीक्यू बाई डीटी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो, के जो है वो आपका हो गया थर्मल कंडक्टिविटी और ए जो है वो आपका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वाले एक्सप्रेशन को भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग उस रॉड के लिए देखें तो यहां पर ये है आपका टी हाई, हाईएस्ट हायर टेम्परेचर, ये है आपका टी लो, लोअर टेम्परेचर, इसकी लेंथ है एल और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है ए, ठीक है। तो dQ by dt को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ के ए डीटी बाई डीएक्स। देखो हम जब यहां पर लिखेंगे डीटी, डीटी बेसिकली आपका चेंज इन टेम्परेचर है, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर किलो है और माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी आई है, तो डीटी को हम लिखेंगे टी लो माइनस, उसके सामने नेगेटिव लिखा है, अगर नेगेटिव को अंदर ले जाए तो हमारे पास बन जाता है टी हाई माइनस टी लो, समझ आ रही बात। तो आपके पास dQ by dt का एक्सप्रेशन आ जाएगा के ए इंटू टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाय dx, जो है वो लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ l। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसका हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं, ठीक है। dQ by dt इज इक्वल टू के ए बाय l इंटू टी हाई माइनस टी लो, समझ आई बात, लिख लो। टी हाई माइनस टी लो,
देखो ये जो dQ by dt है इसको रेट ऑफ हीट फ्लो बोलेंगे, आगे चल करके इसको हम लोग थर्मल करंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थर्मल करंट। ठीक है, हम लोग कंपेयर करेंगे आगे चल करके, तो हम इसको थर्मल करंट भी बोल सकते हैं। ड्रिफ्ट करंट नहीं, ड्रिफ्ट। अच्छा हीट करंट, हाँ हीट करंट बोल सकते, थर्मल करंट या हीट करंट बोल सकते हो। समझ में आई बात? अब थोड़ी सी हम लोग के बारे में बात करें। के का यूनिट आप बतला सकते हो? बतलाओ जल्दी से, के का यूनिट क्या होगा? के का एसआई यूनिट बतलाओ। एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। बाकी लोग भी करो ना, वाट रेट ऑफ हीट फ्लो का एक्सप्रेशन आ गया, वहां से आप एसआई यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर याद नहीं है तो। तो देखो के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dQ by dt। dQ by dt जो है वो आपका ऊपर में हीट है और नीचे में टाइम है, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आई बात? और एरिया को नीचे ले आओ, एल को ऊपर ले जाओ, तो एल का ऊपर हो जाएगा मीटर, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना टीएच माइनस टी लो, वो आपको कैल्विन दे देगा। क्या दे देगा? कैल्विन। देखो जूल पर सेकेंड जो होता है इसे हम लोग वाट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वाट में। तो वाट पर मीटर पर कैल्विन, ये आपका यूनिट हो गया। समझ में आई बात? यहां पर डिग्री अगर एसआई यूनिट हो तो पर कैल्विन लिखेंगे, ठीक है, वरना पर यहां पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं यूनिट अगर सिंपल बात करें तो। समझ में आई बात? पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर कैल्विन आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? और डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करो जल्दी से। फाइंड आउट करो सब कुछ, आ गया? हाँ भाई, जूल का कितना होगा? ML2 और पर सेकेंड टाइम, मीटर का केल्विन को थीटा। ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहां से एल कट गया, तो ML T^-3 थीटा टू द पावर आया था। किसका किसका आया था? आया था ना सबका? ओके, चलो आज के लिए तो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा वो कितना होगा। समझ में आई बात? इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।